इसे कोरी अफवाह कहें या आस्था या फिर अंधविश्वास, इन दिनों मंदिरों में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिल रहा है। विज्ञान इसे अंधविश्वास मानता है तो आस्था इसे चमत्कार कहता है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के कई शिवालयों में विराजमान नंदी की प्रतिमा चढ़ावे का जल पीने लगी है। इस वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि शनिवार सुबह से ही यहाँ देखा जा रहा है कि मंदिर में प्रतिमाएं जल ग्रहण कर रही है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। खबर मिलते ही श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु चम्मच में दूध और पानी को रखकर भगवान के मुंह के समक्ष रख रहे हैं और चम्मच से ही कुछ ही पल में दूध और पानी खत्म होता जा रहा है। नगर के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। जिसने भी सुना कि महादेव के गढ़ यानी नंदी दूध पी रहे हैं तो वह मंदिर की ओर दौड़ पड़ा और देखते ही देखते बात मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आग की तरफ फैल गई। नंदी के दूध पीने की सूचना शहर से लेकर देहात तक जंगल की तरह आग की तरफ फैली तो मंदिरों में भीड़ लगी। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में पूरे दिन इसी की चर्चा होती रही और शहर से लेकर देहात तक के मंदिरों में दूध पिलाने वालों की लाइन लग गई। हालांकि जानकार इसे महज अफवाह ही बता रहे हैं। सिवनी मालवा के सभी बड़े और छोटे मंदिरों में नंदी को दूध पिलाने के लिए पूरे दिन लोगों का तांता लगा रहा। आपको बता दें, पहले भी इसी तरह की अफवाहें उड़ी थी, तब जानकारों ने तर्क सहित पूरे मामले को समझाया था। जानकारों के अनुसार मूर्तियां कई मिश्रण से बनी होती हैं। इसके कई मिश्रण ऐसे होते हैं जिनके तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर ऐसा ही नजारा सामने आता है। फिलहाल यह नजारा मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। मामला ये है कि हमारे यहाँ गवाना मंदिर है, हमारे गवाने में एक भोलेबाबा मंदिर है, वहाँ पर आज गणेश महाराज जी कल से ही नंदी और गणेश महाराज जी दोनों दूध का सेवन कर रहे हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर गांव के ग्रामीण जितने भी भक्तगण हैं, आसपास के भी हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और आकर उन गणेश महाराज जी को और नंदी बाबा को दूध का सेवन कराया जा रहा है। तो क्या दूध पी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो रहा है कि हम वो दूध पी रहे हैं।